नमस्कार, मैं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं क्रिकेट केसरी। हार्दिक पांड्या के मुंबई इंडियंस में जाने के बाद शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस का नया कप्तान बनाया गया है। गिल बतौर बल्लेबाज गुजरात के लिए कमाल करते रहे हैं और अभी उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में लौटने के बाद गुजरात टाइटंस IPL 2024 से पहले गिल को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया। गुजरात टाइटंस के एक बयान में कहा गया कि गिल एक ऐसी टीम का नेतृत्व करेंगे जिसमें अनुभव और युवा का उत्साह एक अद्भुत संयोजन है जो गुजरात टाइटंस की पहचान रही। गिल ने गुजरात के लिए 33 पारियों में 47.34 की औसत से 3 शतक और 8 अर्धशतक की मदद से 1373 रन बनाए। पिछला सीजन इस सलामी बल्लेबाज के लिए यादगार था क्योंकि उन्होंने 17 मैचों में औसत 3 शतक और 4 अर्धशतक से 890 रन बनाया और ऑरेंज कैप अपने नाम किया था। गिल ने IPL में गुजरात टाइटंस की शानदार शुरुआत से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पिछले सीजन में उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 50 गेंदों में 129 रन बनाए जो कि IPL प्लेऑफ के लिए बल्लेबाज में सबसे बड़ा स्कोर था। कप्तान की जिम्मेदारी मिलने पर गिल ने कहा, मुझे गुजरात टाइटंस की कप्तानी संभालने पर खुशी है और गर्व है और इतनी अच्छी टीम का नेतृत्व करने के लिए मुझ पर भरोसा करने के लिए फ्रेंचाइजी को धन्यवाद देता हूँ। हमारे पास 2 सीजन बहुत शानदार रहे और मैं क्रिकेट हमारे रोमांचक ब्रांड के साथ टीम नेतृत्व करने के लिए उत्सुक हूँ। IPL 2022 में अपने पहले सीजन में चैंपियन बनने के बाद गुजरात टाइटंस अगले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स से फाइनल में हारकर खिताब जीतने से चूक गई। गिल ने पिछले IPL में 3 शतक भी लगाए थे। एक सीजन में उनके सबसे ज्यादा शतक केवल रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बल्लेबाज विराट कोहली और राजस्थान रॉयल के बल्लेबाज जॉस बटलर ने बनाए हैं। दोनों एक ही IPL सीजन में 4-4 शतक बनाए हैं। गुजरात और मुंबई की फ्रेंचाइजी के बीच ट्रेंड के बाद गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या अपनी पहली फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस में वापस चले गए। हार्दिक ने GT के साथ 2 महत्वपूर्ण वर्ष बिताए और आत्मविश्वास के साथ उन्हें अभियान का नेतृत्व दिया गया। 2022 में GT के पहले सीजन में गुजरात ने एक शानदार शुरुआत सुनिश्चित की और गुजरात की टीम ने ट्रॉफी जीती, जबकि इस साल की शुरुआत में एक रोमांचक फाइनल में आखिरी गेंद पर हारने के बाद दूसरे सीजन में उपविजेता रहे। तो इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है कि ये जो शुभमन गिल हैं उन्हें कप्तान बनाया गया है गुजरात टाइटंस का, और गुजरात टाइटंस की ओर से उन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की है, शतक बनाए, 8 अर्धशतक बनाए और दोनों ही सीजनों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। इस बार विश्व कप में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और लगातार भारत के लिए और अपने जो फ्रेंचाइजी है उसके लिए अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं। तो आपको क्या लगता है क्या प्रभाव पड़ेगा? हार्दिक पांड्या तो चले गए लेकिन उनकी जगह कप्तानी के लिए गिल ले रहे हैं, तो गिल कैसा प्रदर्शन करे कि गिल को जो मान मिली है उसका किस प्रकार से वो नियंत्रण देते हैं, किस प्रकार से संयोजन करेंगे और किस प्रकार से टीम को आगे बढ़ाएंगे? क्या इस बार गुजरात टाइटंस किताब वापस ले आएगी? पिछले बार तो चूक गई, उपविजेता रही, उससे पहले विजेता रही, इस बार क्या रहेगा गुजरात टाइटंस का इतिहास? तो आपकी जो राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं था दिव्यांशु और आप देख रहे थे क्रिकेट केसरी।